सिस्टम ऑफ यूनिट। तो हाउ मेनी सिस्टम ऑफ यूनिट बताया था ना कल मैं, टू टाइप का यूनिट था ना, फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट एंड ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट। ओके, तो व्हाट डू मीन बाय सिस्टम ऑफ यूनिट, द यूनिट विच आर यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज और द सेट ऑफ यूनिट विच आर यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इज नोन एज सिस्टम ऑफ यूनिट। ओके, तो इन यस्टरडे क्लास आई हैव टॉक्ड अबाउट हाउ मेनी सिस्टम ऑफ यूनिट, थ्री। सीजीएस सिस्टम, सेकेंड एमकेएस सिस्टम, थर्ड एफपीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम मीन्स इन दिस सिस्टम यूनिट ऑफ लेंथ इज सेंटीमीटर, यूनिट ऑफ मास इज ग्राम and unit of time is second. This is also called centimeter gram second system and it is called which system, French system, because the system was being used by the French people, therefore they are called French system and it is also a decimal system. Why decimal system? Because all the system are divisible by 10, जैसे 10 kg, 30 kg, 40 kg, 100 kg, यानी it is the divisible of 10, therefore it is called decimal system. Next, MKS system. What is the full form of MKS system? Meter, kilogram, metric. Yes, meter, kilogram, and second system. Meter, kilogram, second system. It is also decimal system and called French system. Okay, third FPS, what is the full form of FPS system? Fourth form. Okay, good. Foot, pound and second system. Yani unit of length is foot, unit of mass is pound and unit of time is second. It is called British system because this system was used by British people. Okay? तो ये थ्री सिस्टम ऑफ यूनिट मैं बताया था। अब देखो क्या था कि बेसिकली इन ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर वर टू कंपनी, फ्रेंच कंपनी एंड ब्रिटिश कंपनी फॉर द ट्रेडिंग पर्पज। इफ यू गो थ्रू द हिस्ट्री देन you have also read about French Revolution, okay, and war among the French and British. तो क्या होता था, ये कहीं भी गए, अफ्रीका में गए तो जहाँ पे ब्रिटिश पहुँचते थे वहीं पर फ्रेंच वाले भी पहुँच जाते थे। जो पुर्तगाली वगैरह जो थे वो तो वेरी लेस अमाउंट में थे, बट ज़्यादा ट्रेडिंग कौन कर रहा था, फ्रेंच और ब्रिटिश। अब क्या हो रहा था कि जब वेन द फ्रेंच पीपल और ब्रिटिश पीपल गो टू सम प्लेस एंड सेल देयर मटेरियल्स, देन द मटेरियल सेल बाय फ्रेंच पीपल वाज इन द फॉर्म ऑफ एफपीएस और सीजीएस सिस्टम,
But when one British go to purchase that material, they purchase in foot, pound and second. Then it become more problem to convert this MKS into pound or feet. समझ में आया? कि भाई जहाँ पे ब्रिटिश फ्रेंच वाले गए पहले अपना जो मटेरियल है सेल करके आ गए, जब ब्रिटिश वहाँ पहुँचेंगे तो फिर से वो एमकेएस को एफपीएस में कन्वर्ट करना क्या था, पॉसिबल नहीं था या प्रॉब्लमेटिक था. देन दीज पीपल डिसाइड देयर शुड बी वन सिंगल यूनिट दैट शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल. देन वन न्यू यूनिट बिकम दैट इज कॉल्ड एसआई यूनिट. क्या हुआ है, डिसाइड किए कि भैया Yes. हाँ, क्या था इसमें फ्रेंच और ब्रिटिश पीपल जहाँ पे जा रहे हैं ट्रेडिंग में जो प्रॉब्लम हो रहा था, तो दे डिसाइड देयर शुड बी वन सिंगल यूनिट, दैट यूनिट शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, यानी सबको पता रहना चाहिए, तो अपना ट्रेडिंग का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा. देन इन द मीटिंग इन जेनेवा one new unit developed that is known as SI unit. SI unit full form is System International D unit. D unit. ये पूछता है ना, what is the full form of SI unit? सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट. ओके, इसका मीनिंग होगा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द यूनिट. तो ये एसआई यूनिट का जरूरत क्यों पड़ा, व्हाट इज द नीड ऑफ एसआई यूनिट, कैन एनीवन टेल मी? यस, प्लीज रिपीट. Yeah, to make the trading more easily, to convert one system of unit into other. भी अपन किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट जहाँ पर पाउंड की बात आती है तो पाउंड को किलोग्राम या ग्राम में कन्वर्ट करना प्रॉब्लमेटिक था. इसलिए वन सिंगल यूनिट डेवलप हुआ. तो हम लोग जो अभी जो यूनिट यूज़ करते हैं ना, दैट इज द एस आई यूनिट, यानी सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट. ओके, तो 1960 में ये हमारा एस आई यूनिट बना था. इन द एस आई यूनिट देयर आर सेवन फंडामेंटल यूनिट. सप्लीमेंट्री यूनिट, तो एसआई यूनिट क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, फंडामेंटल यूनिट एंड सप्लीमेंट्री यूनिट. तो फंडामेंटल यूनिट आर सेवन इन नंबर. Can anyone tell me what is the fundamental unit? So the quantity था, that was the length, mass, time, temperature and quantity of matter. Yes, quantity of matter. Electric current. और क्या बचा, ल्यूमिना, हाँ इलेक्ट्रिक करेंट, एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी. दीज आर द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड द यूनिट नेम आर, व्हाट इज द यूनिट ऑफ लेंथ, मीटर. यूनिट ऑफ मास, किलोग्राम.
यूनिट ऑफ टेम्परेचर सॉरी टाइम सेकेंड, यूनिट ऑफ टेम्परेचर केल्विन, यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर मोल, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। ओके, तो इन एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट देयर आर सेवन फंडामेंटल यूनिट एंड टू सप्लीमेंट्री यूनिट। तो ये तुम्हारा फंडामेंटल यूनिट हो गया। सप्लीमेंट्री यूनिट कौन कौन है? तो फर्स्ट है तुम्हारा प्लेन एंगल, प्लेन एंगल। सेकेंड है सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल का जो यूनिट है दैट इज रेडियन। सॉलिड एंगल का स्टे रेडियन। क्लियर हुआ? तो एसआई यूनिट और एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट इज एन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। द नेम ऑफ फुल फॉर्म इज सिस्टम इंटरनेशनल बी यूनिट। इन एसआई यूनिट देयर आर सेवन फंडामेंटल यूनिट एंड टू सप्लीमेंट्री यूनिट। द नेम ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, क्वांटिटी ऑफ मैटर, इलेक्ट्रिक करेंट एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। देयर यूनिट आर यूनिट ऑफ लेंथ मीटर, यूनिट ऑफ मास किलोग्राम, टाइम सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन, क्वांटिटी ऑफ मैटर मोल, इलेक्ट्रिक करेंट एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। एंड सप्लीमेंट्री यूनिट, प्लेन एंगल है तुम्हारा रेडियन, सॉलिड एंगल है स्टे रेडियन। ओके, क्लियर यहां पे? अब देखो, व्हेन यू राइट द यूनिट इन एसआई सिस्टम देयर आर सम रूल्स। फर्स्ट रूल क्या है? फर्स्ट रूल है ऑल द अल्फाबेट्स आर इन स्मॉल लेटर। जैसे ये एम ई टी ई आर, इंग्लिश में फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है ना, तो कैपिटल नहीं लिखना है। ऑल द यूनिट्स रिटन इन स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, मोल, कैंडेला, रेडियन, स्टे रेडियन। बट देखो यहाँ पे, हियर टू आर एक्सेप्शनल विच आर सब स्मॉल लेटर में है, मगर दो में फर्स्ट लेटर कैपिटल है, केल्विन एंड एम्पियर, है कि नहीं? रूल क्या है कि ऑल द अल्फाबेट यूज इन द फंडामेंटल यूनिट शुड बी इन स्मॉल लेटर, बट देयर आर टू एक्सेप्शनल केसेस केल्विन एंड एम्पियर। कैन एनीवन टेल मी व्हाट शुड बी रीजन बिहाइंड दैट? क्या रीजन हो सकता है? बिकॉज केल्विन एंड एम्पियर इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, और साइंटिस्ट का नाम या नेम ऑलवेज स्टार्ट होना चाहिए कहाँ से? कैपिटल लेटर। इसीलिए केल्विन में फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा बिकॉज इट इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। एम्पियर का भी फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा बिकॉज इट इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। क्लियर हुआ? सेकेंड, सेकेंड प्रिकॉशन क्या रखना है कि वाइल राइटिंग द स्मॉल लेटर देयर शुड नॉट बी डॉट। जैसे मीटर के लिए स्मॉल एम यूज करेंगे तो
स्मॉल एन डॉट कभी भी लगाना है, नहीं तो जनरली अपना क्या रहता है, जैसे एन के सिंह लिखना है तो एन डॉट के डॉट ऐसा रहता है ना, बट इन द केस ऑफ यूनिट द सिंबल शुड नॉट बी एंडेड विद डॉट, यानी मीटर का ओनली एम, एम डॉट नहीं, किलोग्राम का ओनली केजी, सेकेंड का स्मॉल एस, केल्विन का कैपिटल के, मोल का एम ओ एल, एम्पियर का कैपिटल ए, कैंडेला का सी डी, रेडियन का आर ए डी एंड स्टेरेडियन का एस आर ए डी। ओके समझ में आया? ठीक है, तो ये जो तुम्हारा टू मेन प्रिकॉशन था, फर्स्ट है कि ऑल द अल्फाबेट शुड बी इन स्मॉल लेटर एंड सेकेंड देयर शुड नॉट बी डॉट इन द सिंबॉल ऑफ यूनिट, डॉट से कभी भी एंड नहीं होगा, तो ये तुम नोट डाउन कर लो। अब देखो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, क्या बेनिफिट रहा इसमें? प्रीवियसली द यूनिट यूज्ड वाज सीजीएस, एमकेएस एंड एफपीएस, इन प्लेस ऑफ सीजीएस, एमकेएस एंड एफपीएस व्हाट इज द बेनिफिट इन द एसआई यूनिट बताओ तो। फर्स्ट बेनिफिट क्या है कि सीजीएस यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकेंड, एफपीएस फुट पाउंड सेकेंड, दैट मीन्स हियर वी कैन मेजर ओनली लेंथ, मास एंड टाइम। जैसे मीटर यानी लेंथ मेजर करेंगे, किलोग्राम यानी मास, सेकेंड यानी टाइम, यानी द यूनिट प्रीवियसली यूज वॉज ओनली एप्लीकेबल फॉर द थ्री फिजिकल क्वांटिटी ओनली, मास, लेंथ एंड टाइम, बट एसआई सिस्टम इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। समझ में आया भाई? सीजीएस और एमकेएस क्या था? ओनली थ्री के लिए था एप्लीकेबल, मास, लेंथ और टाइम, बट इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल फंडामेंटल एंड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आया कि नहीं आया? सेकेंड, द सीजीएस जो था, सीजीएस एंड एमकेएस वॉज ओनली यूज बाई फ्रेंच पीपल, एफपीएस वॉज ओनली यूज बाई ब्रिटिश पीपल, बट दिस यूनिट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, यानी वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ ये यूनिट हर जगह क्या है, एक्सेप्टेबल है, यानी दिस इज एन यूनिवर्सल यूनिट। ओके क्लियर हुआ? थर्ड क्या हो सकता है? कि दिस इज द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम में था ना मीटर किलोग्राम सेकेंड, लेंथ का मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, बाकी तो बाद में आया ना, यानी दिस इज द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ एमकेएस सिस्टम। क्लियर हुआ कि नहीं? और क्या हो सकता है यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हो गया, एक्सटेंडेड फॉर्म हो गया, इट इज अ डेसिमल सिस्टम, एफपीएस डेसिमल सिस्टम नहीं था, वन फुट में यानी वन फीट में कितना सेंटीमीटर होता है? कैन एनीवन टेल मी हाउ मेनी सेंटीमीटर इन वन फीट? कितना बताओ तो? 12? नहीं, 12 इंच इक्वल टू वन फीट, तुम्हारा इंच भी ना एफपीएस सिस्टम है, 12 इंच इक्वल टू वन फीट,
बट जो तुम्हारा एक स्केल आता है ना लार्जर साइज वाला 30 सेंटीमीटर वाला, दैट इज द 1 फीट स्केल, यानी 1 फीट इक्वल टू 31 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर होता है। ओके, तो ये इजीली कन्वर्सेबल है क्या फुट और सेंटीमीटर? नहीं है। बट 1 किलोग्राम इक्वल टू 100 ग्राम, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, दैट मीन्स इट इज अ डेसिमल सिस्टम ऑफ यूनिट एंड इट कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू अदर यूनिट। क्लियर हुआ? ठीक है, चलो। तो ये तुम्हारा हो गया